आज मैं एक नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। टू गुड वेबसाइट से मैंने मंगाया है रेडमी नोट 5, जो कि अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बात करें तो इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन मुझे टू गुड वेबसाइट से मैंने लिया हूँ, जो कि टू गुड वेबसाइट एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट साइट है जहाँ पर हमें रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल और कई तरह के चीज़ जो कि हमें पुराने प्रोडक्ट मिलते हैं और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में। बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर मोबाइल है, लैपटॉप है, हेडफोन है और भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉच और भी कई तरह के प्रोडक्ट हैं। बात करें तो जो फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में 5 कैटेगरी में फ़ोन है, लाइक न्यू, सुपर, वेरी गुड, गुड और ओके। इन कैटेगरी में बांटा गया कंडीशन के हिसाब से। फ़ोन जो है काफ़ी यहाँ पर चीपेस्ट प्राइस मिल जाती है कंडीशन के हिसाब से। ज़्यादातर फ़ोन हमें यहाँ पर सुपर, लाइक न्यू और गुड एंड ओके देखने को मिलता है और वेरी गुड कम ही दिखता है। बात करें जो मेरे पास से प्रोडक्ट आया है, सुपर कंडीशन में आया है, जो कि टू गुड वेबसाइट से मैंने ख़रीदा हूँ, और इसको देखते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है, क्योंकि यूज प्रोडक्ट है तो इसमें हमें कंपैटिबल एक्सेसरीज मिलते हैं और ब्रांड न्यू बॉक्स नहीं है, ये टू गुड का बॉक्स है। बात करें हमें जो ब्रांड न्यू बॉक्स मिलता है वो लाइक न्यू में मिलता है और कभी कभी सुपर वाले, सुपर जो फ़ोन होते हैं उनमें भी आ जाता है, बाकी सुपर में ज़्यादा करके कंपैटिबल ही आते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन फ़ोनों में गारंटी जो होती है 6 मंथ लेके 12 मंथ की वारंटी होती है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। बात करें फ़ोन की तो फ़ोन जो है रेडमी नोट 5 10,000 का फ़ोन है न्यू, लेकिन ये करीब 5,000 से लेकर 6,000 के बीच अराउंड मिल जाता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। बाकी यहाँ पर 9-10 हज़ार के भी आता है, लेकिन वो सब फ़ोन लेना व्यर्थ है, क्योंकि अगर 5,000-4,000 बीच में मिलता है फ़ोन तो ठीक है। फ़ोन को देख रहे हैं तो फ़ोन का जो कंडीशन है काफ़ी साफ़ सुथरा है, सुपर कंडीशन में कुछ बढ़िया फ़ोन आ गया, हमें बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है। सो इसमें स्क्रैच डेंट कोई नहीं दिख रहा है, ये सुपर कंडीशन है। मैं टू गुड से कई तरह के प्रोडक्ट मंगाए हैं, लाइक न्यू, सुपर, वेरी गुड नहीं मंगाया हूँ, गुड और ओके कंडीशन के फ़ोन मंगाए हैं और ब्रांड न्यू फ़ोन भी मंगाया हूँ। बात करें मैं इस फ़ोन के कंडीशन देखने में पता चलता है कि फ़ोन की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, फ़ोन में कोई स्क्रैच डेंट नहीं दिख रहा है और फ़ोन का कंडीशन ठीक है। ज़्यादातर रिस्क जो होता है कि कंडीशन के हिसाब से होता है, इसमें फ़ोन का कंडीशन जो होता है सुपर कंडीशन 8-9 हज़ार का मिल जाता है, वेरी गुड 5-6 हज़ार का भी मिल जाता है, डिपेंड करता है ऑफ़र क्या चल रहा है। बाकी हमें ज़्यादा करके फ़ोन अगर लेना है टू गुड वेबसाइट से तो हमें लाइक न्यू और सुपर में जाना चाहिए, गुड भी देख सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क होता है। मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ पर जो फ़ोन होते हैं यहाँ पर कंडीशन थोड़ा रफ़ी होता है, कभी कभी फ़ोन एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया मिल जाता है, कभी कभी काफ़ी ख़राब फ़ोन मिल जाता है। बात करें तो बॉक्स में हमें ये वारंटी कार्ड मिलता है टू गुड का, और वारंटी कार्ड है और टू गुड का एक कि 47 चेक ये सब दिया हुआ, क्या क्या चेक करते हैं वो सब मेंशन किया गया। बात करें तो जो ये फ़ोन है रेडमी नोट 5, ये अपने टाइम का सुपर हिट फ़ोन था, उसमें फ़ोन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करता था ये फ़ोन। इसकी फ़ोन की बात करें तो यह फ़ोन की जो है कंडीशन सुपर कंडीशन है। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, उसको साइड रखते हैं, बॉक्स में देखते हैं, सिम रिजेक्टर टूल और यही सब चीज़ें मिल रही हैं, सिम रिजेक्टर टूल, कंपैटिबल चार्जर, यूएसबी और अडेप्टर है। बात करें तो फ़ोन की कंडीशन तो कोई वो नहीं है, बाकी चार्जर न्यू है लेकिन कंपैटिबल है, ओरिजिनल नहीं है। बात करें इस फ़ोन की तो ये 3 GB रैम है, 32 GB रोम है और इसको मेमोरी कार्ड डाल के 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। डिस्प्ले इसका 5.9 है फुल HD प्लस, जो कि 89:1 में आता है। 12 MP रियल कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा है, पीछे डबल फ्लैश है, डबल टोन का आगे भी फ्लैश है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 पर रन करता है, प्रोसेसर इसका है। बात करें फ़ोन की तो इसमें हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, चाहे 2 SIM डालो, चाहे 1 SIM या मेमोरी कार्ड डाल लो, दोनों 4G एक स्टैंड बाई टाइम पे रहता है, लेकिन वल्टी एक ही सपोर्ट करता है। इसमें जियो का सिम 2 नहीं चलेगा, एक ही चलेगा एक टाइम, क्योंकि वल्टी जो है एक ही बार सपोर्ट करता है, कि एक दोनों स्टैंड बाई नहीं सपोर्ट करता, 4G रहेगा लेकिन वल्टी में नहीं जाएगा, यानी कि दूसरा सिम 4G चलेगा लेकिन जियो का सिम 4G दो सिम एक साथ नहीं चलेंगे। बात करें इस फ़ोन की तो फ़ोन का जो है कंडीशन मुझे सुपर में काफ़ी बढ़िया मिल गया है। कंडीशन डिपेंड करता है ऑफ़र क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि फ़ोन के जो कंडीशन होते हैं आए दिन, कभी कभी फ़ोन इससे भी ख़राब हो जाता है, कभी इससे बढ़िया भी आ जाता है,
यहाँ पर फ़ोन का जो रेट है 5,000 से लेकर 10,000 में जो जो मैंने बताया हूँ ऐसे होता है। बाकी इसका कैमरा क्वालिटी भी ठीक है प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ इसमें फ़ोन का जो GST 18% चल रहा है, इसलिए फ़ोन का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। नहीं तो फ़ोन काफ़ी पहले सस्ते मिलते थे, अराउंड 4,500 के 4,000 के बीच मिल जाता था, लेकिन फ़ोन का 5,000 से ऊपर ही अब आने लगा है। 3,32 नहीं तो 4,64 ऑफर समय में 5,000 के अंदर आता था, 3,32 4,500 के बीच में आ जाता था। और इसमें एक कार्ड ऑफर पहले आता था जो कि 500 रुपये और लेस हो जाते हैं, 500 1,000 रुपये, डिपेंड करता है। अभी भी ऑफर चलता है लेकिन।